आदरणीय सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भारत सिंह जी, आदरणीय बीपी अग्रकांत जी, आदरणीय सूरी साहब, आदरणीय भानु जी और सभी आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी साथीगण, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं। निवास में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मुख्यमंत्री निवास में, और उसके बाद यहाँ, और उसके बाद मुझे बिलासपुर जाने के लिए मैं सोचा था यहाँ कार्यक्रम करके हेलीकॉप्टर से चल दूंगा, लेकिन बारिश हो रही है और हम सबके लिए बहुत जरूरत भी है, तो बरसात हो रही है और इस कारण से सड़क मार्ग से मुझे बिलासपुर जाना, वहाँ भी हजारों आदिवासी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं वहाँ शामिल होना चाहता हूँ। इसलिए बोलने के क्रम में परिवर्तन करते हुए मैंने मनमोहन सिंह जी से भी और टिकाम साहब से भी, सूरी जी से भी सबसे क्षमा चाहते हुए और भारत जी से मैंने निवेदन किया, तो मेरा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया। संचालिका ने सब मेरे अनुरोध को स्वीकार करते मुझे पहले आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित किया। बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी, वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिला कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैंने छुट्टी घोषित की और आज गाँव हो, शहर हो, कस्बे हो, ब्लॉक मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, सब जगह विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन हो रहा है। आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए, उसमें सबसे पहला काम जो हमारे वन जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वन अधिकार का पट्टा मिला था, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का भी पट्टा दिया गया और अभी तक के लगभग 5 लाख पट्टे वितरित किए गए हैं, जिसमें सामुदायिक दावे के भी हैं और निजी का भी। निजी क्षेत्र में जहां 5 लाख हेक्टेयर तक की जमीन आदिवासियों की दी गई है और वहीं सामुदायिक दावे के तहत लगभग 15 लाख हेक्टेयर जमीन दी गई है। और जमीन तो हमने दे दी, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, अधिकार क्या क्या है, तो जन जागरण अभियान उसके शुरुआत करने के लिए कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। उस कैलेंडर के आधार पर चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, एनजीओ हो, उसके माध्यम से गांव-गांव में जाके जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्या क्या काम करना है और कैसे उसका सही सदुपयोग करना है उन अधिकारों का, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ वन अधिकार के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बनाया जाए, तो जो कृषि कार्य में हमारे आदिवासी भाई लगे हुए हैं उनको किसी ऋण का भी लाभ मिला, ऋण माफी की भी लाभ मिला, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरुआत की उसका लाभ मिला, अब 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसका लाभ उठा रहे हैं, उसके साथ साथ लघु उपज खरीदी अब 65 प्रकार के हम लोग कर रहे हैं, पहले 7 प्रकार की होती थी, अब 65 प्रकार की। तेंदुपत्ता जहाँ 2500 था वो 4000 प्रति मानक बोरा किया गया, तो आदिवासियों के आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है, चाहे बस्तर अंचल हो चाहे सरगुजा अंचल, सभी जगह आर्थिक सुधार देखने को मिला है। और यही कारण अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सरगुजा बस्तर का दौरा मैंने किया, दो ही मांग हमारे साथियों ने किया, पहली बात है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा बैंक खोलिए। बैंक खोलने का मतलब क्या है, सीधी बात है कि आदिवासियों के जेब में पैसा आ गया है, अब वो बैंक में जमा करना चाहते हैं या बैंक से पैसा सरकार जो जमा करती है खाते में वो दूर जाना पड़ता है, तो पैसा निकालने के लिए ज्यादा जरूरी है बैंक हमारे नजदीक हो, ये परिवर्तन आया है। दूसरा स्वास्थ्य की दिशा में हम लोगों ने काम किया, पहले तो बस्तर में शुरुआत की मलेरिया मुक्त बस्तर और उसके बाद फिर सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया, अब बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि 65% मलेरिया में कमी आई,
ये बड़ी उपलब्धि है, हमको और तेजी से काम करने का आवश्यकता है। 8000 क्लिनिक योजना के भी लाखों लोग उठा रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में जांच, इस प्रकार की व्यवस्था चाहे गांव हो या शहर में हो, मुख्यमंत्री 8000 क्लिनिक योजना के माध्यम से इसका लाभ उठा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में भी लगातार हमारी कोशिश, बस्तर में जहाँ 300 स्कूल नक्सली उड़ा दिए थे, बंद थे, 10-15 साल से बंद थे, बहुत सारे स्कूल है सड़क के किनारे कैंपों में आ गए थे, टीचर नहीं जाते थे, तो शिक्षा से जोड़ने के लिए उन स्कूलों को 300 स्कूलों की इसकी शुरुआत इस वर्ष हमने किया। जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में उसकी शुरुआत की, शिक्षकों की भर्ती की, इस साल अभी सप्लीमेंट्री बजट में भी 10,000 शिक्षकों की भर्ती फिर से हमने घोषणा की है, ताकि जहाँ जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ उसकी भर्ती हो सके, ताकि शिक्षा का लाभ हम सब उठा सकें, हमारे बच्चे उठा सकें। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ संस्कृति में हमारी संस्कृति बची रहे, संस्कृति हमारी पहचान है, आदि संस्कृति है, और इसीलिए जहाँ एक तरफ नए राजधानी में शहीद वीर नारायण सिंह जी जिसके मूर्ति तैल चित्र में माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने की है, उसी के नाम से वहाँ 25 एकड़ में वो परिसर बन रहा है, जिसका शिलान्यास पिछले वर्ष किया और निर्माण कार्य चालू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 23-2 अक्टूबर तक के वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आदिवासियों की जो योगदान है, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और जिस प्रकार से आदिवासियों का जो आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका रही है, चाहे उन्हें 1857 की गदर की बात करें या उसके पहले की बात करें, जंगल सत्याग्रह की बात करें, चाहे वो भूमकाल की बात करें, हमारे चाहे गुंडा दूर के योगदान हो, चाहे गैर सिंह जी के योगदान हो, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह जी के योगदान हो, चूंकि आज कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है, रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके अलावा बिलासपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री को आपने सुना, अभी उन्होंने उद्बोधन जिस तरीके से दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो धूम है, किस सीजन में कौन सा गीत गाया जाता, तो सब कुछ सहज के जो आदिवासी जो संस्कृति है उसको सहज के रखने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप भरत सिंह जी, भरत जी आप जमीन मांग रहे, 25 एकड़ जमीन आपको पहले मिला, वो भवन जमीन ही आपकी है, उसके बाद और क्या जरूरत, भवन भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, उसका उपयोग जितना चाहे करें, जब आप उपयोग करेंगे तो आबाद भी रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे तो गतिविधियां बनी रहेगी। अब यदि अलग से भवन बना देंगे तो अलग से पड़ा रहेगा, तो जितना भी कार्यक्रम करना है, 25 एकड़ जमीन बहुत बड़ा है और बन भी रहा है, उसका उपयोग बढ़िया से करिए। और उसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है, आपको लगेगा कम पड़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं, इस बात को निश्चित रहें। एक बात और बताना चाहता हूं, जिसके बारे में बहुत चर्चा थी, जब भी मैं गया हूं, हमारे जनप्रतिनिधि मिले, सामाजिक संगठन के लोग मिले, पेशा नियम की बात, 1996 में जो पेशा कानून बना था, छत्तीसगढ़ में पेशा कानून तो लागू था लेकिन नियम नहीं बना था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, पिछले 14 तारीख के कैबिनेट में, 7 तारीख की कैबिनेट में इसको हम लोग पारित किए, और कल 8 तारीख को गजट में नोटिफाई हो गया है, पेशा नियम अब राज्य में लागू हो गया है। उस अधिकार को जानने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जन जागरण अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें उस जो नियम है उसको कैसे हम लोगों को उसका उपयोग करना है, उसका लाभ कैसे लेना है, ये हम लोग बताना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, पेशा नियम में जो ग्राम सभा है, जो समिति बनेगी, जो आबादी के कम से कम 50% हमारे आदिवासियों की संख्या होगी, यदि ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा होगी, यदि कम जनसंख्या है फिर भी 50% हमारे आदिवासी होंगे, और उसमें आधा महिलाएं होंगी, जो आदिवासियों की संख्या है उसमें मान लो 50% है, 25% पुरुष रहेंगे, 25% महिलाएं रहेंगी, एक साल का अध्यक्ष पुरुष लोग बनेंगे, दूसरे साल अध्यक्ष आप लोग बनेंगे।
बहुत सारे उसमें नियम हैं और उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए, क्योंकि बिलासपुर जाना है, मैं चाहता था यहाँ रुकूं लेकिन मौसम के कारण मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क मार्ग से जाना है, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आयोजकों को बहुत बधाई, उनके प्रति आभार कि उन्होंने मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सबको आयोजक साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।